let's see some of the property of the circle. This is circle, तो ये क्या होती है? इसे बोलते हैं chord, ठीक है? This is chord. This is radius, एक diameter. And ये जो line होती है, this is secant. Short terms देखें related to circle. अगर ये circle है, this is circle, तो ये जो होती है, ये होता है एक arc. तो ये पूरा सर्किल है, ये आर्क होगी और इस पे अगर इस सेंटर से कुछ बनता है तो इसे बोलते हैं सेक्टर, ठीक है? इसे बोलते हैं सेक्टर. ये है आर्क, ये है सेक्टर, ठीक है? सपोज ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, एक सेक्टर, ये पूरा एक सेक्टर. फिर एक अगर कॉर्ड, अगर एक कॉर्ड ये होती है, ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है, तो ये हो जाएगा सेगमेंट. तो ये दो सेगमेंट बनाती है, ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट. दो सेगमेंट बना रही है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. ना कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सीखते हैं कि अगर ये सर्किल है और ये आर्क है, ये आर्क है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है, तो इसका एंगल है अगर थीटा एंड सेगमेंट की लेंथ है एल, फिर हमें पता है एरिया कितना होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर. तो एरिया और इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर, देखो ये जो पाई आर स्क्वायर है पूरे 360 एंगल का है, ये पाई आर स्क्वायर एंगल पूरे 360 एंगल का है, हमें कितने का निकालना है, थीटा एंगल का. तो हम यहाँ करें पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा डिवाइडेड बाई 360. वैसे ही हमने सर्कमफ्रेंस निकाली, हमें एल निकालना है, तो 2 पाई आर ये 360 के लिए है, हमें थीटा के लिए निकालना है, तो 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360, हमें सेक्टर की लेंथ पता चल जाएगी. प्रॉपर्टी कि अगर कोई कोड है ये सेंटर है, सेंटर से अगर कोई लाइन पड़ती है तो वो परपेंडिकुलर होगी और वो बाइसेक करेगी कोड के. अगर परपेंडिकुलर है कोई सेंटर से, ठीक है, वो बाइसेक करेगी कोड से. तो अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर है वो बाइसेक करेगी कोड को. तो यहाँ पे हो जाएगा ये पी है, ए पी इक्वल्स टू पी. अगर दो इक्वल कोड्स हैं, ठीक है, एक ये कोड है ए पी एंड इक्वल है बी सी के, ठीक है, तो उसमें बोला है टू इक्वल कोड डिस्टेंस, तो सेंटर से जो लेंथ होगी, सेंटर से जो, ठीक है, जो लेंथ होगी इक्वल कोड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगी. मतलब अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी है देन ओ पी इक्वल्स टू ओ की होगा. अगर इक्वल लेंथ है कोर्स की तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे, ठीक है. इसमें क्या अगर कोई सर्किल है उसमें दो सेगमेंट होता है, हमने देखा है कोर डिवाइड करती है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट. तो एक सेगमेंट में इस कॉर्ड को लेके जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे. ये मतलब एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, और भी कोई एंगल बनता है, सपोज ये मतलब इसी कॉर्ड को लेके बन रहा है, ठीक है, ये सारे एंगल ये सब बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू दिस. और अगर एक डायमीटर है, ठीक है, अगर ये सर्किल का ये डायमीटर है, ये सेंटर ये डायमीटर है, तो अगर सेमी सर्किल में जो भी बनेंगे, जैसे ये बन रहा है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, हमने देखा था कोई भी बने वो इक्वल होगी, ये भी 90 डिग्री होगा, जितने भी एंगल सेमी सर्किल में बनेंगे सारे 90 डिग्री होंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. ये कंडीशन है अगर कोई कॉर्ड है तो हमने देखा था वो जो भी एंगल बनाएगी सारे एंगल इक्वल होंगे, और वो जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगी, अगर ये थीटा है, अगर 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये सारे एंगल थीटा होंगे फिर ये होंगे. मतलब जो ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है और बाकी जो ऊपर सर्कल से टच करते हुए एंगल बना रही है वो जो सेंटर वाले एंगल से हाफ होगी. फिर थ्योरम में क्या है, अगर दो कॉर्ड है, ठीक है, ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ये जो सेंटर से जो एंगल बनाएंगे, मतलब ये जो एंगल बनेगा बराबर होगा, मतलब एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू. अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है तो एंगल वन, मतलब जो सेंटर के साथ दोनों एंगल बनाएंगे वो बराबर होगा, ठीक है. एक और थ्योरम देखते, एक और प्रॉपर्टी है सर्किल की कि अगर ये सर्किल है और सर्किल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो सम अपोजिट एंगल का सम होगा वो 180 के बराबर होगा. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में
अपोजिट एंगल का स्क्वायर 180 के बराबर होता है. साइक्लिक कोऑर्डिनेट रूल अपोजिट एंगल का स्क्वायर 180 के बराबर होता है. सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अनुसार अगर कोई भी अगर सर्कल से अगर कोई टेंजेंट निकल गया, टेंजेंट क्या है, ये टच करके जा रही है, ये टेंजेंट जा रही है, तो सेंटर से अगर कोई भी इस पर लाइन पड़ रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी 90 डिग्री बनाएगी, चाहे वो कहीं से भी जाए, अगर यहाँ से भी जा रही है सपोज, यहाँ से आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से जा रही है, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी. यहाँ से जा रही है अगर टेंजेंट, वो 90 डिग्री ही बनाएगी कॉर्नर्स प्रॉपर्टी. अगर वो कहाँ से डाली सेंटर से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर सपोज एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ए बी यानी ये सेंटर है, तो यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो इनकी लेंथ बराबर होगी, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी. तो मतलब ये लेंथ इसके बराबर होगी अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की है इसी सर्कल पे. तो ठीक है, वैसे बोला प्रॉपर्टी ऑफ टू सीकेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट. अगर पी से ये कोई हमने सीकेंट ड्रॉ की है एंड यहाँ पे इस वाले में भी दोनों में ये चीज़ लग जाएगी, इसमें पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी डी, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी डी इक्वल्स टू पी सी मल्टीप्लाई बाई पी डी, पी सी मल्टीप्लाई पी डी. अगर कोई सीकेंड सेम पॉइंट से ड्रॉ करें सर्किल पे तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, दैट इज पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी पूरा एंड पी सी मल्टीप्लाई बाई पी डी. एंड यहाँ पे भी इस वाले पे लग जाएगी पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी एंड पी सी मल्टीप्लाई बाई सी डी, एंड ऐसे कंडीशन में भी लग जाएगी. ये अगर प्रॉपर्टी है सर्किल की, ठीक है, ये अगर देखो दो सेकेंड ड्रॉ की गई है, दो सेकेंड ड्रॉ करी है, ये पी है, ये ए पॉइंट है एंड ये सी पॉइंट है एंड ये ओ पॉइंट है. तो एंगल हमें ये थीटा निकालना है. कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल बनाएगा बी ओ डी ये एंगल होगा. सपोज ये मान लो है ये है वाई, ठीक है, एंड एंगल ए ओ सी ये एक्स मान लो, ठीक है. तो जो थीटा होगा, ये थीटा जो एंगल निकालना है वो होगा हाफ वाई माइनस एक्स, ठीक है. तो ये थीटा होगा इस दिस माइनस दिस हाफ कर दो तो ये निकल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी. तो किसी ट्राइंगल पे अगर एक सीकेंट और एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसकी प्रॉपर्टी थी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी. तो इसकी प्रॉपर्टी हुई ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाइड बाई सी डी. तो फिर इसका एंगल जो थीटा होगा वो क्या होगा, अगर हमें थीटा निकालना हो तो देखो इसमें क्या होगा, ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है ओ, इसका जो एंगल बनेगा बी, ठीक है, ये एक्स होगा एंड बी ओ सी एंड बी ओ सी एंगल वाई, तो थीटा होगा हाफ एक्स माइनस वाई. तो वही सेम प्रॉपर्टी बी ओ डी माइनस बी ओ सी, ये अगर ओ है, हाँ ये ओ है, का हाफ कर दो तो हमें थीटा निकल आएगा. कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे ये कॉमन टेंजेंट है ए बी, हमें ये निकालनी है, यानी ये कोई ये सर्कल है ओ वन, ये इसका है सर्कल ओ टू, ठीक है. तो हमें एक सेकेंड इसको बोला, ठीक है, ए बी टेंजेंट है, अब ये है ओ वन ये ओ टू, ठीक है. इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच की, वो सपोज रखी है डी एंड ये है आर वन ये है आर टू. इस कोर्ड की ए बी की लेंथ निकाली, तो ए बी की लेंथ होती है इस केस में टू आर वन आर टू अपॉन डी, इसकी लेंथ होती है जब जो सेंटर है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, मतलब सेंटर अलग अलग हो एंड कॉमन कॉर्ड कॉर्ड हो, तो फॉर्मूला आता है टू आर वन आर टू अपॉन डी, ठीक है. ये सेकंड कंडीशन है कि दो जो सर्कल है वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रही है, इसके सेंटर से पास कर रही है, इसके सेंटर पास कर रही है, तब भी हो सकता है जब दोनों की रेडियस क्या, दोनों की रेडियस बराबर. तो इनके बीच में डिस्टेंस अगर वो डी है, ठीक है, तो जो लेंथ हो जाएगी कॉर्ड की, हम किसकी ए बी की लेंथ निकालें, ठीक है. ए बी की लेंथ क्या होगी, इसमें रूट थ्री रेडियस रूट थ्री आर, इसमें आर होगा सेम होगा, तो रूट थ्री आर जो भी आएगा वो हमारी हो जाएगी कॉमन कोड की लेंथ इन द केस जब दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं. जो डी हो जाएगा, देखो अब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक इसके सर्कल तक ये भी तो इसका आर ही होगा ना, ये भी डी भी इसका आर ही बराबर होगा. ये भी अगर सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर बराबर होता है रेडियस के, ठीक है. अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देखते हैं दो सर्कल के. अगर दोनों सर्कल इस तरीके से अगर जा रहे हो तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगी, एक अगर सर्कल ऐसे टच कर रहे हो तो इस केस में दो कॉमन टेंजेंट बनेगी इस तरीके से. और अगर सर्कल इस तरीके से जा रहे हो तो इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इस तरीके से टच कर रहे हो बस, तो इसमें एक ही है, एक ही है, और तीन कॉमन टेंजेंट बनेगी इस केस में. और अगर सर्कल दूर दूर तो एक दो तीन
इसमें चार कॉमन टेंजेंट बनेंगे, तो चार केसेस हैं यहाँ पे सर्किल में कॉमन टेंजेंट बनती है, यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है। अगर हमें लेंथ निकाली हो, ये दो सर्कल दूर दूर है, ठीक है, अगर मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ये ए बी है इसकी लेंथ निकाली, मतलब कॉमन टेंजेंट, दो टाइप की टेंजेंट होती है, कॉमन टेंजेंट होती है, ट्रांसवर टेंजेंट होती है, ठीक है, ये डायरेक्ट टेंजेंट होती है, ट्रांसवर होती है, दो टाइप की टेंजेंट, एक डायरेक्ट और एक होती है ट्रांसवर्स। तो पहले डायरेक्ट टेंजेंट की अगर लेंथ निकालते हैं, और ये है हमारा आर एंड ये हमारा छोटा आर, मतलब ये वाले सर्कल का एरिया आर है, ये आर है छोटा आर एंड ये डी है, तो ए बी की लेंथ हो जाती है हमारी ए बी इक्वल्स टू रूट डी स्क्वायर, रूट डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे आर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। हमने ट्रांसफर लेंथ अगर लेंथ निकाली, जैसे ए सी निकालना, तो ट्रांसफर लेंथ लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स सी ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट भी डी स्क्वायर होगा माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये आर प्लस आर स्क्वायर इन द केस ऑफ ट्रांसफर टेंजेंट, एंड डायरेक्ट टेंजेंट में आर माइनस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कि एक लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ है 6-7 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस टू द कॉर्ड फ्रॉम द सर्कल, सर्कल से डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमें एरिया निकालना है सर्कल का, तो एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये जो परपेंडिकुलर पड़ेगी सेंटर से, इसको हाफ ऑफ में डिवाइड करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हमें सर्कल की रेडियस पता चलेगी 5 सेंटीमीटर, पाई स्क्वायर लगा देंगे, 25 पाई का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई दिस इज सर्कल, ठीक है, अगर ये रेडियस है इसकी 21 सेंटीमीटर एंड ये सेंटर पे 72 डिग्री बनाता है, तो हमें लेंथ बतानी है आर की, लेंथ में आती है, हम लेंथ का फॉर्मूला देख चुके हैं, लेंथ क्या आती है हमारी 2 पाई आर, 36 के लिए 2 पाई हो जाती है, तो थीटा के लिए क्या होगी, थीटा बाई 360, तो 2 पाई आर, आर कितना है 21 एंड थीटा इधर का 72 डिवाइड बाई 360, तो आंसर निकला है यस। एक क्वेश्चन है सर्कल का, और इसी ना का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर है ओ, यहाँ पर जो ए बी है, ए बी है 8 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे सी डी है, सी डी दे रखा है, एक सेकेंड ए बी को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ए बी है 8 सेंटीमीटर एंड ये सी डी है, दो कॉर्ड दे रखे हैं, एक ए बी है एक सी डी है, ये है 8 सेंटीमीटर एंड ये है 6 सेंटीमीटर, अब रेडियस है सर्कल की 5 दे रखी है, मतलब ये जो होगी 5 होगी, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 और डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन टू कॉर्ड्स, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, अगर ये है ओ, अगर ये मान लें हम कुछ मान लें, ठीक है ये है डिस्टेंस, मतलब हमें ये निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये 5 है एंड ये 8 है, मतलब ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, मतलब ये 3 हो जाएगी, अगर पाइथागोरस लगाएंगे, अगर इस ट्राइंगल में लगाएंगे, इस ट्राइंगल में ये भी तो 5 होगी, ये 5 होगी, ये 3 होगी, तो कितना रहेगी, ये 4 हो जाएगी, पूरी 4 हो जाएगी, ये पूरी 4 है, ये पूरी 3 है, तो हमारी ये वाली जो, अगर ये x मान लो तो x आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड इज 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है, टू पैरेलल कॉर्ड्स जिनकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो अगर लेंथ 8 सेंटीमीटर है कॉर्ड्स की, मतलब वो एक साइड सर्कल के नहीं बन सकते, ठीक है, दोनों पैरेलल है, अब पूछना है डिस्टेंस निकालनी है दो कॉर्ड्स की, जहाँ पे जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर रखा है, अब यहाँ से डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 होगा, यहाँ से भी 5 होगा, तो ये 4 है, ये 3 हो जाएगा, 3 तो 3 प्लस 6, तो उनके बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस टू पैरेलल को, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ये 3 है, ये 3 है। वन मोर क्वेश्चन, इसमें अगर कोई सर्कल है, लेट्स सी द क्वेश्चन, इसमें दो सर्कल है एंड दो टेंजेंट है, दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी और एक 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, ए बी, तो ये बी ए है एंड ये बी ए है एंड ये ए सी है और ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, और जो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है और बी सी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमें रेडियस पूछ रही है, हमें पता है कि अगर वो 90 डिग्री बना रही है, मतलब वो इस डायमीटर के साथ 90 डिग्री बनाती है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो 90 डिग्री जो डायमीटर है वो 90 डिग्री बनाती है ऊपर हमेशा, यहाँ यहाँ कहीं भी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना रही है, मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस, ये अगर डायमीटर है, ये 8 है, ये 6 है, ये कितना जाएगा, 64 प्लस 36 ये जाएगा 10, तो डायमीटर आ गया 10, तो रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 पॉइंट है, ठीक है,
सर्किल पे हमने एबीसी 3.1, एक सेकेंड सी को यहाँ रख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एबीसी 3 पॉइंट है सर्किल पे, सच दैट एंगल, तो ए बी एंगल बना रहा है सेंटर पे, ठीक है। जो ए बी एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है, और ए सी जो एंगल है ए सी वो है 110। तो इस तरीके से जो, एक सेकेंड, अगर हम ए सी को जोड़े, सी को यहाँ नहीं रख सकते, सी को यहाँ रखेंगे तो एंगल नहीं बन रहा है। सी को सबको यहाँ रख लेते हैं, सी यहाँ पे, तो सी के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 110 डिग्री। अब हमें, ठीक है, एंड ये है और ये है सी बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो अब हमें पता है ये क्या है, सी बी है, ठीक है। अब ये एंगल जो इसके साथ बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस कर दो, ये 160 हो जाएगा। ये 160 है तो इसका हाफ होगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक सर्कल है, ठीक है। इससे दो हमने सिकेंड डाली, दैट इज ए बी एंड सी डी, ठीक है। अगर हम ए बी की बात करें तो दिस इज 6, सी डी बी की बात करें 3, एंड हम पी डी की बात करें तो इट इज गिवन 5। हमें ये ए पी भी निकालना है, ठीक है। अब हमें सिकेंड का फॉर्मूला पता है, सिकेंड क्या क्या आता है, पी डी, सेकेंड का क्या होता है, पी डी डिवाइडेड बाय, इसमें होता है पी डी मल्टीप्लाई बाय पी सी, मतलब पी डी मतलब इतना मल्टीप्लाई बाय पूरा इक्वल्स टू ए बी पी ए, सॉरी पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी ए, ठीक है। पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए, तो पी डी क्या जाएगा हमारा, पी डी 5, पी सी हमारा क्या जाएगा 5 + 3 = 8, पी बी है हमारा पी बी एक्स, एंड पी ए हमारा एक्स प्लस सिक्स, ये मल्टीप्लाई करके हम एक्स निकाल लेंगे 4। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दे रखा है, कि दो कॉर्ड है ए बी और सी डी दे रखे हैं, एंड वो इंटरसेक्ट करते हैं ए ई पॉइंट पे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एंड ए ई दे रखा है हमारा 6, ठीक है, ए ई है 6 एंड ए बी है 4, ए ई है 6 और हमारा ए बी है 4, ए ई 6 ए बी 4 एंड ए डी 12, ए डी है 12, ठीक है। एंड सी ई हमें नहीं पता, ठीक है, सी ई हम निकालेंगे, डायमीटर पे से पूछा है हमें, सर्कल का डायमीटर पूछा है। तो अब पहले सी ई निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें ये पता है ए ई 6 है एंड ई बी 4 है एंड सी ई डी है हमारा 12, उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ए ई मल्टीप्लाइड बाई ई बी इक्वल्स टू सी ई मल्टीप्लाइड बाई ई डी, ये हो जाएगा हमारा सी ई, हो जाएगा हमारा 2, सी ई हो जाएगा हमारा 2। अब देखते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, और डायमीटर की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे ये डला है, यहाँ पे, और जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला एंड एक यहाँ पे डाला। अब क्या है, अब ये जो परपेंडिकुलर अगर डाला तो ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ 14 है, 14 है तो ये हाफ में डिवाइड करेगी तो ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो गई। तो अब अगर हमें ये वाली लेंथ पता चल जाए तो हम ये निकाल लेंगे, हमें ये डायमीटर चाहिए, हम रेडियस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, ये हमारी पूरी लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये भी तो ये भी तो सेंटर से पड़ रहा है ना, तो ये 6 है, ये 10 है, ये तो कितनी हो जाएगी, ये पूरी 5 हो जाएगी, ये पूरी 5 हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगी, ये पूरी 5 है एंड ये 4 है, तो ये 1 हो जाएगी, तो ये भी 1 हो जाएगी। तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 49 + 1 = √50, तो ये √50 हो जाएगा। तो हमारा डायमीटर क्या आ गया, 2√50 डबल का। सो गुड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, ए बी एक कॉर्ड दे रखी है जहाँ पे ओ सेंटर पे है और जो डी ओ सी है, ठीक है, डी ओ सी लाइंग सेगमेंट है जो ऑरिजिनेट हो रही है डी पॉइंट से, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एंड प्रोड्यूस एट सी, एंड सी पे प्रोड्यूस कर रही है बी सी, और जो बी सी है वो ओ डी के बराबर है, ठीक है, बी सी जो है हमारा वो ओ डी के बराबर है एंड ये वाली लाइन इसके बराबर दे रखी है एंड सच दैट बी सी इक्वल्स टू ओ डी, और एंगल बी सी डी, एंगल हमारा बी सी डी कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 20 डिग्री,
तो एंगल ए ओ डी कितना है, एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल पूछा गया, एक्स डिग्री पूछा गया। इस वाले क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, अब हमें एक्स डिग्री एंगल निकालना है। सबसे पहले तो हमें पता चलना है, ये देखो ये है रेडियस, ओ से निकालिए ना, ओ डी रेडियस है, तो ये अगर रेडियस है ये भी, तो ये भी क्या है, ये रेडियस है, तो ये बराबर ये हो जाएगी, तो ये अगर 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 ये 20, तो ये 180 डिग्री माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा, ये 140 तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल होगा 40 डिग्री, ये अगर 40 डिग्री है तो ये वाली रेडियस, ये वाली भी रेडियस है 40 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ये 100 डिग्री पूरा कितना होगा 180, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 180 डिग्री होगा पूरा, 100 प्लस 120 प्लस 20 ये 100 प्लस 20 प्लस x इक्वल्स टू 180, हमारा x आ जाएगा 60 डिग्री मिलता है आंसर। तो क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, एंड एक सर्कल है 9 सेंटीमीटर एंड दूसरा सर्कल है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल भी टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, और जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है वो टेंजेंट है, ये बड़े सर्कल के कॉर्ड है एंड दूसरे स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अब इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। देखो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये अगर इसकी रेडियस क्या है, छोटे वाले की रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर के सेंटर से, ये 9 सेंटीमीटर, ये पूरी कितनी होगी, ये पूरी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ये 15 हो गई, तो हम इसे पाइथागोरस लगाएंगे, 225 माइनस 81 कितना आएगा, 4 4 1 4 4 मतलब 12, ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी 12 होगी, तो आंसर होगा 24, टेंजेंट की लेंथ आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखा है पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं हमने ट्राइंगल पे विद द सर्किल, इसका है ओ एंड ओ पी है डायमीटर, देखो ओ पी है डायमीटर के इक्वल, मतलब ये अगर आर है रेडियस तो ये 2r होगी, ठीक है, ओ पी की 2r है इसकी लेंथ। तब से पूछा गया है कि एंड ए पी भी निकालना है हमें, ए मतलब ये वाला एंगल निकालना है थीटा, ठीक है, हम निकाल लेते हैं ए पी भी, सॉरी पूरा एंगल निकालना है, पूरा थीटा एंगल निकालना है, आधा नहीं पूरा एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो ये 2r है और ये r है, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं थीटा बाई टू, थीटा बाई टू का हम ये साइन थीटा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब आर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस 2r, तो साइन थीटा आ गया 30 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा 2 थीटा, लाइक थीटा बाई टू का थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री मिलता है आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्रांसफर टेंजेंट पूछे गए हैं, दोनों के रेडियस से रखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू रेडियस से रखे हैं, तो डी क्या है इसमें 24 मतलब 576 माइनस आर 5 प्लस 8, ठीक है, माइनस 64 इक्वल्स टू अंडर रूट 512, ठीक है, इधर रेडियस ऑफ द सर्कल आर 5 एंड 3, द डिस्टेंस बिटवीन दिस रेडियस इज 24, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, और उसमें क्या लगती थी, अगर डायरेक्ट टेंजेंट निकालनी होती तो कैसे लगता था, तो यहाँ पे आर माइनस आर हो जाता है बस, और सब सेम रहता है। देखो टू सर्कल ऑफ द रेडियस आर 7 एंड 2, दो सर्कल हैं, एक की रेडियस है 7, इसकी 2 है, एंड इनके जो सेंटर रहता है 30 सेंटीमीटर, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो इसके केस में क्या था, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर कितना है 169 हो जाएगा, माइनस आर माइनस मतलब 7 माइनस 5 मतलब 25 144, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ गई 12, तो डायरेक्ट में माइनस करते हैं एंड ट्रांसफर पे प्लस करते हैं आर प्लस आर।